आज हम यहाँ पे बनाएंगे शाही खीर। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही टेस्टी शाही खीर कैसे बनाएंगे। देखिए ये केसर युक्त शाही खीर, हम ये तीज त्यौहार पूजा पाठ में शाही खीर, चाहे भोग लगाना हो, चाहे आपके घर में मेहमान आते हों, तो कैसे बनाएंगे। ये हमने आधा किलो दूध लिया है, दूध को हम बॉईल करने के लिए देखिए रख दिए हैं। ये आधा किलो दूध है, दूध मेरा देखिए उबाल आ गया है दूध में। अच्छे से चलाएंगे ताकि बर्तन की सतह में दूध पकड़े ना। अब हम इसमें आधा पाव, जो एक पाव होता है उसका भी हाफ हम इसमें चावल डालेंगे। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो आप बासमती ले सकते हैं या आप नल चावल जो आप घर पे हो, या फिर बासमती जो भी आप चाहें ले सकते हैं। अब अच्छे से चावल को पकाएंगे। आधा किलो दूध में हमने आधा पाव ही चावल लिया है। ये हम हल्का गरम दूध में इसमें कुछ दाने केसर के डाल के रख देंगे ताकि इस दूध में केसर का कलर आ जाए। इसको इसी तरह से रख देंगे। आराम से बराबर से चलाते रहेंगे। देखिए हमारा चावल लगभग पक गया है। खीर हम लोग किसी भी त्यौहार पे, किसी कभी भी मन करता है तो ये एक तरह से इंडियन डिश माना जाता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। अब हम इसमें ये पिसे हुए चीनी डालेंगे। शक्कर को पीस कर या फिर आप मार्केट से शक्कर का बूरा भी ले सकते हैं, डालने से अच्छे से घुल जाता है और स्वाद और भी अच्छा आता है। इसको खूब अच्छे से पकाएंगे। लगभग हमारा चावल भी पक गया है, दूध भी देखिए बहुत गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल खोए की तरह, और टेस्टी हमारा शाही खीर बनके तैयार होगा। अब हम इसमें ये पिसी हुई इलायची डालेंगे। इलायची से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। खीर हो या सेवई हो या हलवा हो, उसमें इलायची ज़रूर डालना चाहिए, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। दूध को थोड़ा और गाढ़ा कर देंगे, बिल्कुल खोवे की तरह हमारी ये खीर बनके तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें ये देखिए कटे हुए इसमें हमने काजू ऐड किया है। बादाम है, ये सब हमने पीसेस में काट लिए थे। आप चाहे तो फ्राई भी डाल सकते हैं इन सबको। ये पिस्ता है, अब मखाना इसमें मिलाएंगे, चलाते रहेंगे नहीं तो बर्तन की सतह में खीर पकड़ लेगा। देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहा है, एकदम गाढ़ी हो गई है। भूल कर भी कभी किशमिश पहले नहीं डालना चाहिए, किशमिश सबसे आखिरी में डाला जाता है। अब ये थोड़ा सा इसमें हम मिश्री ऐड करेंगे, मिश्री से बहुत ही अलग स्वाद आता है खीर का, बहुत ही शाही अंदाज में ये खीर नज़र आने लगेगा, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। थोड़ी देर पकाएंगे ताकि मिश्री घुल जाए। इस तरह से आप प्रसाद भी तैयार कर सकते हैं,
माता लक्ष्मी के लिए प्रसाद तैयार कर सकते हैं। किसी भी तीज त्यौहार पर आप प्रसाद इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप शरद पूर्णिमा पर भी तैयार कर सकते हैं प्रसाद, और कोई मेहमान आए तो भी उसके लिए भी तैयार कर सकते। देखिए हमने गैस बंद कर दिया है, हमारा खीर लगभग तैयार हो गया था। अब हमने लास्ट में ये किशमिश मिलाया है। अगर गैस पे रहता और किशमिश डालते तो दूध फटने का डर रहता था। अब लास्ट में हम ये केसर वाला दूध इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिला देंगे, पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम देखिए दूसरे बर्तन में हमने इसको सर्व कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा सजा देंगे ताकि देखते ही खाने को मन करे। और खीर तो सबको पसंद है, ऊपर से हम देखिए ड्राई फ्रूट्स अच्छे से गार्निश कर देंगे, पिस्ता, बादाम, काजू, चिरौजी, मखाना, किशमिश सब अच्छे से सजा देंगे ऊपर से। ड्राई फ्रूट्स तो ऐसे भी खाया जाता है, तो ऊपर से आप डालेंगे तो ये और भी टेस्टी लगेगा खाने में। देखिए बहुत ही टेस्टी हमारी शाही खीर तैयार हो गई है। अब एट लास्ट हम इसमें इसको केसर से सजा देंगे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये शाही खीर की नई रेसिपी कैसी लगी। बनाइएगा और अपने फैमिली में खिलाइएगा सबको, और बताइएगा कि कैसा लगा ये शाही खीर आपको। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगता है शाही खीर। आप इस तरह से बना के देखिएगा, कोई फेस्टिवल हो, कोई आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हों तो बनाइएगा। बाहर से आपको स्वीट डिश या कोई भी मिठाई मंगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत अच्छा लगता है, आप सर्व करके खुद भी खाइए, अपने भी खुद को और अपनों को भी खिलाइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।